हेलो गाइस, राम राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं किचन से आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट। आज मैंने दिन भर अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आज डिफरेंट बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और क्या करूँगी, और साथ में आपके साथ एक टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज के ब्लॉग में मैं बस डालने वाली हूँ, या पता नहीं और कुछ भी डाल दूँ, अगर कुछ रहेगा तो डाल दूँगी, वरना मैं ये टेस्टी सी रेसिपी डालूँगी। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, और ये बहुत जल्दी बनने वाली है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये आलू लिया है, इसके मैंने छिलके निकाल दिए हैं, और अब मैं इसको इससे ऐसे कर रही हूँ। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ? इस आलू को मैं किस रही हूँ, इसको मैं दो आलू को कैसे बोल रहे हैं पागल जैसे, मैंने क्या किया है, मैंने ये आलू लिया है और इसके मैंने दो आलू छील के रख लिए, तो एक आलू मैं ऑलरेडी किस चुकी हूँ और ये मेरा दूसरा आलू है, और अब मैं इसको किस रही हूँ। और किसने के बाद फिर पता है क्या करूँगी, फिर एक टेस्टी सी रेसिपी बनाऊँगी। उसके लिए चाहिए पड़ेगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए पड़ेगा, सूजी चाहिए पड़ेगी और आलू तो किस ही रहा है, आलू किस जाए। ये आपने शायद नहीं खाई होगी, खाई होगी तो पता नहीं, पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? मैं इतना साल और रह गया है। हाँ सुनो, फिर उसके बाद क्या करना है, ये आलू को आप किस लीजिए, फिर इसमें पानी डाल दीजिए, दो तीन बार इसको अपन साफ कर लेंगे, पानी डालेंगे फिर निकालेंगे, ये आप दो तीन बार रिपीट कर लेना, ठीक है, ताकि आलू का सारा स्टार्च निकल जाए। मैं यही करती हूँ, फिर आपसे मिलती नहीं हूँ, आप देखिए। और आपको एक बात बता दूं, ये बॉईल किए हुए आलू नहीं हैं, ये कच्चे आलू हैं, कच्चे आलू को किसा है मैंने। अब मैं इसको धो के निकाल दूंगी, पानी निकाल दूंगी इसका, फिर से एक बार धोऊंगी, दो तीन बार धोऊंगी। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, और सेकंड स्टेप में मैंने ये कट कर लिया था, मैंने जब तक कैमरा ऑफ किया, उसके बाद मैंने ये सब निकाला। ये वाइट तिल है और धनिया पत्ती और मिर्ची काट के रखी है। अब थर्ड स्टेप में मैंने ये पैन निकाल दिया है, उसको चालू करना तो मैं भूल ही गई, इसको चालू भी कर दिया है और इसमें तेल डाल दिया है। अभी और तेल डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें। ये मेरा मैंने तेल डाला था ना, वो गर्म हो रहा है, इसको गर्म होने दो, देखो अभी ठंडा है, ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम डालेंगे मसाले के बिना कैसे चलेगा। देखो मेरी मसालेदार यहाँ रखी रहती है। मेरा तेल गरम हो रहा है, हो गया। आज देखो मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई, ब्लैक कितना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा फिर भी फेवरेट नहीं है। मेरा फेवरेट है येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा है, येलो ब्लैक के साथ अच्छा लगता है, ब्लैक येलो के साथ अच्छा लगता है। मेरी कढ़ाई हो चुकी है, अब इस कढ़ाई में आज मेरा आनंद नहीं है, वो किसी काम से गया है। अगर वो होता मेरे साथ किचन में तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उसके साथ, उसको मारने में, भले ही मैं मान वो बात अलग है, मैं पिट जाती हूँ, मैं उससे 4 साल बड़ी हूँ, 4 साल, फिर भी छोटी लगती हूँ, छोटी बच्ची हूँ ना। देखो बातों में मैंने तेल को ज़्यादा गर्म कर दिया है, मैं इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो गया। अब ये ठंडा हो जा भाई, ठीक है डाल दे रही हूँ, मुझे क्या। अब मैं डालूँगी इसमें जीरा, स्वाद अनुसार डाल देना सब कुछ। और ये आ जा भाई, तुम्हारा नंबर है। और ये मैंने डाली है मिर्ची डाली है, और ये सफ़ेद वाले तिल डाल देंगे, और इसमें उसके बाद अब चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास चिली फ्लेक्स है नहीं, मैं लाना भूल गई, मैं सोच रही थी लाऊं लेकिन मैं लाना भूल गई हूँ, तो
कितना गिरा रही हूँ मैं, मेरी मम्मी डांटेंगी मुझे। चिली फ्लेक्स नहीं है तो मैं इसमें डाल दूँगी नॉर्मल वाली मिर्च, नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ कर लूँगे, नॉर्मल लाल मिर्च यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको चालू कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पकने देंगे, फिर इसमें डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे बहुत सारा पानी, बहुत सारा नहीं, अपने अपने अकॉर्डिंग डाल लेना जितना समझ में आए। अभी मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको बॉयल होने देंगे। ये बॉयल हो जाएगा तब तक अपन टाइम पास करेंगे। चलो टाइम पास करने चलें मम्मी के पास। मम्मी किसी से बात कर रही है फोन पर। मम्मी देखो कहाँ बैठ के बात कर रही फोन सोफा पे। मम्मी का फोन डिस्चार्ज है क्योंकि देख कोई नहीं, करने दो हमें क्या, हमें क्या। आज मैं गई थी मार्केट और मार्केट में मुझे ईशू मिली। ईशू छोटा बच्चा कबड्डी खेलती थी, बॉय कट आपने मेरे ब्लॉग में देखा हो, गड़ा कट गड़ा काटा कह रहा है, गड़ा कोटा वाले ब्लॉग में जिसकी हम लोगों ने इधर से चोटी की थी, उसके बाल बढ़ चुके हैं, उसके बाल इतने हो गए, उसने अपने बाल बढ़ा लिए यार। हमने कहा ईशू मत करो ये, तुम पे अच्छे नहीं लगते, मैं उसकी वीडियो डाल ही दे रही देख लो। ठीक है, जब तक मेरा पानी बॉयल हो जाएगा तब तक आप वीडियो देखो, वो कितनी बड़ी हो गई है। ये देखो हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें आलू। जा बेटे जा, ये डाला आलू। आलू कच्चा आलू बेटा कहाँ गए थे, सत्या की रेसिपी में डूब रहे थे। अब ये आलू डाल दिया है, अब इसमें डालेंगे सूजी। आजा बेटे, अब इस सूजी को अच्छे से चलाएंगे। अरे यार मेरे हाथ में एक के फोन में, एक हाथ में कैमरा है, एक हाथ में से बन नहीं रहा मुझ पर काम करते करते, आप लोग समझ जाना। इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बस इसको जब से चला ही रही हूँ, ये एक अपने आप ये एक डो की तरह बंधने लगेगा। आप इसको बस चलाते रहिए, बिल्कुल स्लो करके चलाइएगा। ठीक है, इसको लगने मत दीजिएगा, ऐसे आप चलाते रहेंगे। मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं पकड़ के चला रही थी, अब मैंने एक हाथ में फ़ोन ले लिया है, तो ये अपने आप एक डो जैसा लगने लगेगा। फिर इसको अपन बंद कर देंगे गैस को, लेकिन अभी मुझे और करना है इसको, तो मैं अभी इसको चलाऊंगी हल्का हल्का सा। ठीक है, मैं इतनी बड़ी पागल हूँ, मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं की, मैंने जब से बोलना स्टार्ट कर दिया और वीडियो मैंने स्टार्ट ही नहीं की, पर मैंने कैमरा ऑन किया, पर मैंने फिर से बोला, कितनी बड़ी पागल इंसान हूँ। हाँ आप देखिए, ये देखो ये डो की तरह तैयार हो गया है। हाँ, अब इसको 5-7 मिनट के लिए अपन रेस्ट के लिए देंगे। मैं इसको बैक कैमरा से दिखाती हूँ ताकि जो बनाए तो उसको दिक्कत ना हो, अच्छे से बना सके। ये मैंने बंद कर दिया है, ये देखो एक डो की तरह तैयार हो गया है। अब इसको 5-7 मिनट के लिए ढककर छोड़ दूँगी मैं। ठीक है, अब मैंने ये एक थाली ले ली है और इस पर मैं बहुत सारा ऑयल लगाऊँगी, बहुत सारा नहीं ऐसे, मतलब पूरी थाली पर ऑयल लगा लेना। ठीक है, फिर ऑयल लगा के ये मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब मैं उस डो को उठा कर लाऊंगी और इस थाली पर रखूंगी और फिर आप आगे देखिएगा। मैं एक हाथ अपना थोड़ा सा, बहुत ब्लर आ रहा होगा बट आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं इधर से इस तरफ रिलैक्स होकर काम कर पाती हूँ। अभी हमारा डो तैयार है, गर्म है
ठंडा नहीं हुआ है अभी वो, इसको लाऊंगी और इस पर रख दूंगी, ठीक है। और इसको अच्छे से यूं फैला लूंगी, ये पूरा राउंड राउंड ये फैल गया है, ये देखो। आ मेरा आनंद आ गया, आनंदी आज तो यार बहुत राम हो गया आनंद में तो का बहुत। ये देखो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको अपन कट करेंगे, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू सत्या, वैसे भी मुझे अपना बर्थडे मनाना बहुत पसंद था। हैप्पी बर्थडे टू डियर सत्या, अच्छे से नहीं कट कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू डियर सत्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अब ये इसको इस तरह से कट कर लेंगे और फिर इसको उठा के कढ़ाई में डाल देंगे। ये भी कुछ बना रहा है, मैं और डाल दूँ, मैं तो भूल ही गई। जितना आपकी कढ़ाई में जगह हो उतना डाल देना। बस बस, ये देखो ये बनकर रेडी है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने तैयार किया था। गिर गया, सॉरी, क्या बोल रहे हो? देव दो चार। ये देखो ये बन के तैयार है, आनंद खा के बताएगा कैसे हैं। लो आनंद टेस्ट करके तो बताओ कैसे लग रहे हैं, टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। ये देखो बहुत ज्यादा नमक हो गया है, अति से ज्यादा। बकवास नहीं, जो ऐसे ही करा था हमको, कछु भी बना थे ना टंकी ना। सही मैम, देखिए कितने क्रंची क्रंच, बहुत गर्म है यार, देखना। 1 2 3 देखो कितने क्रंची बने हुए हैं। ये देखो कितने क्रंची बने हुए हैं, फोकस जाना इस पे। हाँ 1 2 ओ कितना क्रंची क्रंची है, ये देखो। कल हमने ब्लॉग मतलब बनाओ किचन से शुरू करो तो ख़त्म भी किचन पे ही करो तो, और आज सुबह फिर हम किचन से आ गए। आज बन रही है आलू भाजी, और आज हम थोड़ी लेट आए हैं किचन में, तो मम्मी दाल बघाड़ चुकी है, मैंने चावल लगा दिए हैं, आलू सब मम्मी ने कर लाओ, आज हमें बस रोटी बनाने हमें पता है। आज मैं थोड़ा लेट आई हूँ क्योंकि किचन में मेरी मम्मी तब तक आधा काम करके फ्री हो चुकी थी, और हम तो शाम के लाने एक्साइटेड हैं। शाम को गए कि हम बनाने वाले हैं हमें फेवरेट सब्जी, हमें बूट की सब्जी इतनी अच्छी लगा था, बूट की सब्जी को हम मतलब वेट करा था साल भर कि बूट आ जाए। कल शिवान लाओ इतने सारे बूट लेके आओ बड़े पापा से, हम बोल वो भूल गए थे लेकिन तो अभी बड़े पापा लेके आए बूट गले में खिंच खिंच, बड़े पापा तो अभी बूट लेके आए, तो फिर हमने शिवान से कहा शिवान से और हम बूट, बड़े पापा कह रहे कितने बूट खा रहे हैं, बड़ी अम्मी कह रही तुम पुराने जमाने नहीं, बड़ी अम्मी कह रही तुम टोकरिया हो, टोकरिया पूरी। हम बूट की सब्जी शाम को हम बनाए तो बाप के साथ शेयर जरूर करें, अगले ब्लॉग में करें शेयर, ये ब्लॉग को तभी तक रहने दो ठीक है। और कहिए हमें बूट छीलने पड़े हैं सब करने पड़े, तो मैं अगले ब्लॉग में दिखा दूँगी कुछ तो हो मेरे पास, डाल है तो बहुत कछु, लेकिन बाजार बाजार कितो डालें बाजार को, और काका सामान ले तो यार कन्फ्यूज रहे इतना भूल जाए ब्लॉग व्लॉग बनाओ कछु यार नहीं बाजार में, फिर घरे आके अरे जो लेना तो जो ही भूल गए, बोले ना तो जो भूल है वो ठीक है। तो ये वीडियो को बताइए एंड कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो का इंतजार करना, और जल्दी से 1K करा दो, 1K करा दो, मिलते हैं, टाटा।